यहाँ जानेंगे कि न्यायपालिका का चुनाव किस प्रकार होता था। तो न्यायपालिका का चुनाव भी यही सक्रिय नागरिक वोट के द्वारा करते थे। अब जानेंगे पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या था। तो नए संविधान की शुरुआत इसी घोषणा पत्र से हुआ था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक यानी जन्मजात अधिकारों की रक्षा करे। इन अधिकारों में शामिल था जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को जन्मजात या अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को जन्मना प्राप्त था और इसे छीना नहीं जा सकता था। अब जानेंगे कि मार्सिलियस क्या है। तो मार्सिलियस यह एक देशभक्ति गाना था जिसे मार्सिलियस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कुछ करते हुए गाया था, इसलिए इसका नाम मार्सिले हो गया और अब ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्रांति की आवश्यकता नेशनल असेंबली द्वारा बनाया गया नया संविधान को हम देखें तो पाते हैं कि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, जिससे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा ठगा हुआ महसूस कर रहा था और वे इस क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते थे। जैकोबिन क्लब के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब की सदस्यता मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन क्लब के सदस्यता के पहनावा क्या था? तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारेदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले उफलिनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान उनका तरीका था। यही कारण है कि जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया। सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सौ कुलात शब्द का अर्थ है, सौ कुलात का शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। फ्रांस में राजशाही का अंत और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई? तो फ्रांस में राजशाही का अंत सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों के ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से निराश पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त यानी 13 अगस्त की सुबह उन्होंने टुलेरिया के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष चाहे के पास संपत्ति हो या नहीं को मतदान का अधिकार दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसकी घोषणा नवनिर्वाचित असेंबली ने की, जिसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। लुई 16 की मौत, लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कम कार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंतो एनेंत का भी वही हर्ष हुआ। यहां जानेंगे कि देशद्रोह शब्द का अर्थ क्या है।
तो देशद्रोह शब्द का अर्थ अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना देशद्रोह कहलाता है। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था, जो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के बाद रोबेस्पियर की सरकार बनी। उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। वो अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। जैकबिनो रोबेस्पियर के सन 1793 से 1794 के शासन को फ्रांस के इतिहास में आतंक का राज कहा जाता था। अब गिलोटीन क्या है? तो गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते वाले मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। बच्चों, अब हम जानेंगे कि फ्रांस में जैकोबिन का शासन और आतंक के राज के बारे में। तो जैकोबिन का शासन सन 1793 से 1794 के शासन को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा गया है, जिसका शासक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। इस शासन को आतंक राज इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि पहला है उसने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, सेकंड है गणतंत्र के शत्रु अथवा उसके राजनीतिक विरोधी उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य भी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, थर्ड है एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया, दोषी पाने पर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था, फोर है रोबेस्पियर सरकार ने कानून बना कर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी, फाइव है गोश्त एवं पारोटी की राशनिंग कर दी गई तथा किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, सिक्स है अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाले क्षमता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, सेवन है बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का अंत कैसे हुआ? तो रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों की इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार कर अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिए गए। इसी के साथ फ्रांस में जैकोबिन शासन का भी अंत हो गया। आतंक राज के दौरान महिलाओं पर अत्याचार क्या था? तो आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्रांतिकारी सरकार यानी जैकोबिन सरकार द्वारा महिलाओं की दशा में सुधार के लिए क्या कार्य किए गए? तो जैकोबिन सरकार द्वारा महिलाओं की दशा में निम्नलिखित सुधार कार्य किए गए। पहला है सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। सेकेंड है पिता उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बात नहीं कर सकते थे। थर्ड है शादी की स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। फोर है इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दिया गया। फाइव है इस कानून के अनुसार महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। अब हम जानेंगे जैकोबिन सरकार का क्रांतिकारी सामाजिक सुधार क्या था। तो जैकोबिन सरकार का क्रांतिकारी सामाजिक सुधार निम्नलिखित था। पहला है दास प्रथा तथा उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे। सेकंड है महिलाओं के जीवन में सुधार और उनके शिक्षा और व्यवसाय कार्य में सुधार किए गए। डायरेक्टरी या डायरेक्टरी यानी जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में दो चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया,
ये परिषद 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका की नियुक्ति किया जिसे डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहते थे। अब हम जानेंगे कि फ्रांस सरकार के स्वरूप में तीन प्रेरक आदर्श कौन कौन थे। तो पहला था स्वतंत्रता, सेकेंड था विधि सम्मत समानता, थर्ड था बंधुत्व। फ्रांस सरकार के स्वरूप में तीन मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया था। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली क्या थी। तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वालों और कुलीनों से खुद अलग करने के लिए किया। ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को शौक कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। शौक कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं का ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। अब जानेंगे कि अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन कैसा था। तो नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति की मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। अब हम जानेंगे कि सेंसरशिप की समाप्ति के परिणाम का क्या कारण था। तो बास्टिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और संस्कृति गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पात्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इसका परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वो तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। अब हम जानेंगे कि नेपोलियन का व्यक्तित्व कैसा था। तो नेपोलियन बोनापार्ट की गिनती विश्व के महान सेनापतियों में की जाती है। वो बहुत परिश्रमी, इरादे का पक्का, तलवार का धनी और बहुत वीर सैनिक था। जब पहली बार उसने इटली में फ्रांस की सेना का कमांडर बनाकर भेजा गया तो उसने अपनी मधुर वाणी से सैनिकों में एक अद्भुत जोश भर दिया। बुरी दशाओं और संघर्षों में भी सैनिक उसका साथ देते थे। असंभव शब्द उसके शब्दकोश में नहीं था। वो एक महान सेनापति ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिक और शासक भी था। अब हम जानेंगे नेपोलियन के उदय के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजाशियो में हुआ था। वो असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वो डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े ही समय में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। नेपोलियन की मृत्यु। बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने दूसरे यूरोपियन देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिया
परंतु 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यह फ्रांस के एक परम वीर योद्धा का दुखद अंत था। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।